बिहार के बेगूसराय में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर बैंक लूट कांड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मौके से 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी मुख्य षड्यंत्रकर्ता सहित 5 अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दरअसल बीते 3 दिसंबर को गढ़हरा थाना क्षेत्र के ठाकुरीचक में अपराधियों ने दिन दहाड़े SBI की मिनी शाखा से हथियार के बल पर 4,91,000 की लूट की थी। उक्त घटना के बाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी, जिसके लिए मोबाइल सर्विलांस का सहारा ले रही थी। इसी संदर्भ में सदर DSP राजन सिन्हा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और मामले की छानबीन चल रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, लूटी गई बैग सहित 47,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस मामले की अग्रिम तफ्तीश में जुट गई है। 3 दिसंबर को गढ़हरा ओपी क्षेत्र के ठकुरीचक के स्थित SBI ब्रांच में 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट की घटना की गई थी। 4,91,000 की रकम लूटी गई थी हथियार दिखाकर उनके द्वारा, जिसको लेकर गढ़हरा ओपी में 468/20 केस दर्ज किया गया था IPC की सुसंगत धाराओं के तहत, और उसके उद्भेदन के लिए, गिरफ्तारी के लिए और बरामदगी के लिए SDPO सदर और SDPO तेगड़ा के नेतृत्व में और आसपास के जितने थानाध्यक्ष थे जो संभावित रिट्रीट रूट में पढ़ते थे, उनकी एक टीम बनाई गई थी SIT की, जिसमें टेक्निकल टीम भी ज़िले की शामिल थी। इस टीम के द्वारा घटना के बाद जो घटनास्थल पर पूछताछ के क्रम में जो बातें प्रकाश में आई, उसके पश्चात रिट्रीट को फॉलो करते हुए कांड का उद्भेदन करीब करीब 5 से 6 घंटे में उसी दिन कर लिया गया था, जिसकी सूचना आप लोगों को दी गई थी। और उस रेड के दरमियान 22,300 के करीब जो लूटी गई संभावित रकम थी वो भी बरामद किया गया था, और लूटा गया बैग जो था वहाँ से वो बरामद किया गया था वहाँ से। उसको लेकर एक अलग कांड दर्ज किया गया था बीरपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें कुछ लोगों को जेल भेजा गया। इस लूट के उद्भेदन के बाद जो मुख्य नाम आया था सामने, अनिल महतो का, उसके बाद और उस पर हम लोग वर्कआउट किए, इस टीम के द्वारा किए गए तकनीकी और मैनुअल इनपुट्स जितने भी थे उसको संकलन किया गया, और जो CCTV फुटेज हमारे पास उपलब्ध थे वहाँ के घटनास्थल के, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। और इसमें फिर हमें पता चला कि पटना से कुछ अपराधी यहाँ पर बुलाए गए थे जिन्होंने ये घटना कारित की। टीम को तत्काल पटना भेजा गया और 2-3 दिन तक पटना में काम करने के बाद पटना पुलिस के सहयोग से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जो इस लूट कांड में सम्मिलित थे, और कुछ लूटी गई रकम संभावित जो है वो बरामद किया गया इनके पास से। उसके साथ साथ इन तीनों के पास से 4 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली लोडेड कट्टा थे, इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो बरामदगी हुई है, और जो DVR ये लोग बैंक से लेकर गए थे वो DVR भी बरामद की गई है। लूटी गई बैग मैंने जैसा बताया पहले, और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन तीनों के नाम है मंटू पासवान, ओम प्रकाश और करण कुमार। इसमें मंटू और ओम प्रकाश दोनों पटना ज़िला के हैं और करण कुमार समस्तीपुर ज़िला का रहने वाला है। पूछताछ में कुछ अपने अपराध पहले के पूर्व जो जेल में ये लोग गए हैं वो इन्होंने बताया है, लेकिन और भी संभावित है, हम लोग को संभावना है कि और भी केसेस में ये लोग होंगे, या तो वांटेड होंगे या जेल गए होंगे, उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। बरामद जो हथियार हुआ है उसके लिए अलग से बीरपुर थाना में कांड दर्ज किया जा रहा है। पूछताछ जो अभी तक हुई है, अभी इसमें 8 से 9 लोगों की बात सामने आ रही है, उसमें 2 लोग यहाँ के थे बेगूसराय के और बाकी 7 लोग बाहर से बुलाए गए। लूट के बाद इनका रिट्रीट बीरपुर के जगदर तरफ आया था, और उसको फॉलो करते हुए टीम वहाँ गई थी, जो शुरू में पहले दिन ही जो रिकवरी हुई थी कुछ रुपए की और बैग्स की समझ में। देखिए, 2 लोगों का नाम आया है इसमें जो मुख्य रूप से इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र को रचने में थे, उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।